तो सुना आपने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर एक बड़ा बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार 18 अप्रैल को एक बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि आज कोई पेशेवर अपराधी या माफिया किसी को फोन से डरा धमका नहीं सकता। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब लोगों को बेहतर कानून व्यवस्था की गारंटी देता है। बता दें कि लखनऊ हरदोई के बीच बनने वाला मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए केंद्र और यूपी सरकार के बीच MOU साइन होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने यह बड़ी बात कही है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत अन्य मंत्री और नेता मौजूद थे। अभी हाल ही में प्रयागराज माफिया डॉन अतीक अहमद उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी यूपी में काफी चर्चा है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। 2012-2017 के बीच 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए। 2007 से 2012 के बीच 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे, लेकिन 2017 से लेकर 2023 तक एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ है। एक बार फिर कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आनी पाएगी। सीएम योगी ने आगे कहा कि जब दंगे और कर्फ्यू लगता था तो ऐसे में निवेश और उद्यम नहीं लग पाते थे, मगर अब ऐसा यूपी में नहीं होगा। सीएम ने आगे कहा कि अब कोई पेशेवर अपराधी या माफिया किसी व्यापारी को फोन से डरा धमका नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में आज आपको बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी मिलती है। ये बड़ा बयान सीएम योगी ने कार्यक्रम के दौरान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब किसी पेशेवर अपराधी से या माफिया से डरने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई माफिया या अपराधी फोन से धमकी दे सकता है। तो वहीं बेहतर कानून व्यवस्था की गारंटी भी सीएम योगी ने दे डाली है।